नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। पांचवें चरण के नामांकन का सिलसिला कोविड गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए लगातार जारी है। आज जगदीशपुर सुरक्षित सीट 184 विधानसभा से राज्य मंत्री सुरेश पासी ने अपना नामांकन किया है। दूसरी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी विजय पासी ने नामांकन किया है। समाजवादी पार्टी से रचना कोरी ने नामांकन करने के बाद समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बदल दिया है। अमेठी विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जेल में बंद गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी महाराजी देवी ने भी नामांकन किया है। बसपा से रागिनी तिवारी ने नामांकन किया है और तिलोई विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप सिंघल और भाजपा प्रत्याशी मयंकेश्वर शरण सिंह ने नामांकन किया है। तिलोई से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नईम गुर्जर भी अपना नामांकन कर चुके हैं। गौरीगंज विधानसभा से राकेश सिंह समाजवादी पार्टी से नामांकन कर चुके हैं तो भाजपा की तरफ से चंद्र प्रकाश मटियारी भी नामांकन कर दावेदारी उन्होंने पक्की की है। कांग्रेस से फतेह बहादुर नामांकन किए हैं। जोरान विजय पासी ने बताया कि प्रियंका गांधी के विचारों को लेकर जनता के बीच में जा रही है, जनता का भरपूर समर्थन उन्हें मिल रहा है। वहीं राज्य मंत्री सुरेश पासी ने बताया कि हम भाजपा के द्वारा किए गए विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता का भरपूर समर्थन हमें मिल रहा है। हम फिर से अपनी सीट जीतकर योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में सरकार बनाएंगे और यूपी का विकास करेंगे। क्या मुद्दे हैं जो जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं आप? आदरणीय प्रियंका जी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनके जो प्रतिज्ञाएं हैं, चाहे वो महिलाओं का मामला हो, चाहे वो छात्र का हो, चाहे वो किसान का हो और चाहे वो मजदूर का हो और चाहे वो मामला हमारा पशुओं का हो, और इन सब मुद्दों को लेकर और स्थानीय मुद्दों को भी लेकर, जैसा कि जो वहाँ का विधायक और मंत्री है जगदीशपुर का, पूरे 5 साल जनता के बीच में जाने का काम नहीं किया है। और आज आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से भी देख रहे होंगे किस तरीके से जनता उनको खदेड़ने का काम कर रही है। निश्चित रूप से आने वाले 27 फरवरी को जनता पंजे पर मोहर लगाकर भाजपा को ज़्यादा से ज़्यादा अंतरों से हराने का काम करेगी। कितना समर्थन मिल रहा है जनता का? पूरा भरपूर समर्थन मिल रहा है हम लोगों को। मैं अपनी अमेठी की जनता को पहले तो धन्यवाद देना चाहती हूँ, और बहन जी का आशीर्वाद मुझे मिला है तो अपनी जनता के लिए मैं अपनी जनता को ये बताना चाहती हूँ कि बहन जी का जो शासन प्रशासन था अब वो वापस आ रहा है इस बार, और बहन जी को हम 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। इसके लिए मैं अपनी जनता को अग्रिम बधाई देती हूँ। क्या लगता है आपको जनता के बीच कितनी पैठ बना पाएंगे? बिल्कुल, मैं जनता के बीच जा रही हूँ। मुझे जनता का और सभी का, सर्व समाज का और महिलाओं का, खास तौर से उनके जो उनकी घरेलू समस्याएं हैं, महंगाई और गैस सिलेंडर, बच्चों की शिक्षा, बेरोजगारी, इन सब लोग को लेके, गाय गोरू की सबसे बड़ी समस्या, तो इन सबको लेके इनको बहुत आक्रोश है। और वो सब भी बहन जी के प्रशासन और शासन को याद कर रही हैं और कह रही हैं कि इस बार जो है बहन जी की सरकार आनी चाहिए और हम सब मिल कर ले आएंगे। बहुत टफ कंपटीशन दिख रहा है। डॉक्टर संजय सिंह खुद उम्मीदवार हो गए हैं, 33 साल बाद विधानसभा का चुनाव लड़ने आ रहे हैं। दूसरी तरफ पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी हैं, तो इसमें कहाँ देख रही हैं आप खुद को? जी, मैं किसी से लड़ने नहीं आई हूँ, मैं जीतने आई हूँ। मैं अमेठी की जनता के दिलों में राज करने आई हूँ, उनके सुख दुख को, उनके सारे परेशानियों को, कष्टों को, जो उनकी समस्याएं मुझसे कहती हैं, गाय गोरु हो गया, बच्चों की शिक्षा हो गई, बेरोजगारी हो गई, इन सब का मैं समाधान करने की कोशिश करने के लिए बहन जी के द्वारा उनकी सिपाही हूँ, उनके शासन प्रशासन को जानती हूँ, और मैं उनके जितने भी उनके बहन जी का दिया हुआ सारी चीज़ें हैं उस पर मैं पूर्ण कायम रहने की कोशिश करूँगी और अपनी जनता को का ध्यान रखूँगी।
हरदोई में प्रार्थी नरेश कुमार निवासी ग्राम बासा थाना मलावा जनपद हरदोई के रहने वाले हैं। नरेश कुमार भगवंत नगर स्थित अपनी जमीन पर अपना मकान निर्माण करवा रहे हैं। उनका कहना है कि 17 मई 2021 को गोवर्धनपुर निवासी शिव शंकर पुत्र जनार्दन सिंह ने भगवंत नगर स्थित उनकी जमीन पर रात 11 बजे अपने रिश्तेदार दया शंकर पुत्र आर्यन वर्मा रियाज अली को भेजा था कि उन्हें जान माल की धमकी दे रहे थे। इसकी खबर माधोगंज के दैनिक समाचार पत्र के संवाददाता अवनीश कुमार पत्रकार ने प्रकाशित की थी। इसके बाद दबंगों ने उन्हें जान माल की धमकी दी थी। हर तरफ से कोशिश नाकाम होने के बाद मलावा के गोवर्धनपुर निवासी जनार्दन सिंह ने 9 तारीख को नरेश कुमार की जमीन को विवादित बताकर कोर्ट से स्टे ले लिया था, जिसके बाद उनका मकान निर्माण का कार्य रुका था। 9 महीने 11 दिन मुकदमा चलने के बाद 6 तारीख को कोर्ट के द्वारा स्थगन आदेश को निरस्त किया गया। आदेश कॉपी भी उनके पास है। इसके बावजूद कोर्ट के आदेश को न मानते हुए कोर्ट के आदेश को गलत बताते हुए कई लोगों के साथ नरेश कुमार के घर पहुंचकर मकान निर्माण का कार्य रोक रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं। आदेश कॉपी दिखाए जाने पर भी वो कोर्ट के आदेश को गलत बता रहे हैं, जमीन पर जेसीबी चलाने की धमकी दे रहे हैं। इसके बाद प्रार्थी ने 6 तारीख को मलावा थाना अध्यक्ष को पूरे मामले के लिखित शिकायती पत्र के साथ अवगत करा दिया गया है। अब देखना होगा कि खबर प्रकाशित होने के बाद दबंगों पर क्या कार्यवाही होती है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बांसा के। थाना कौन सा लगता है आपका? मलावा। क्या समस्या हुई आपके साथ में? हमारी समस्या ये है, हमने भगवंत नगर बाहर जमीन खरीदी थी, वो जमीन को बनाने लगे तो गोवर्धनपुर निवासी जनार्दन और तीनों इन लोगों ने स्टे ले लिया। कब हुआ था आपका स्टे? स्टे जून के महीने में हुआ था, जो 9 महीने 11 दिन मुकदमा चला, उसके बाद में 6 जनवरी को निरस्त कर दिया गया। वो कापी लेकर के आए और अपना मकान बनवाने लगे। आपने उनको दिखाई नहीं कोर्ट की कॉपी? कोर्ट की कॉपी उनको दिखाई, कोर्ट की कॉपी को झूठा भी करते हैं और धमकियां देते हैं कि बुलडोजर चलवा देंगे। तो आपने मलावा थाने में एप्लीकेशन दी है? हाँ, एप्लीकेशन दी है और शासन प्रशासन से यही गुजारिश है कि इन लोगों के ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। हरदोई के थाना कासिमपुर पुलिस चौकी गौसगंज क्षेत्र ग्राम सभा सफियापुर के निवासी पीड़ित मनोज कुमार ने बताया कि उसके पैतृक जमीन खेत पर 3 साल से जयचंद्र पुत्र श्रीपाल जिसने खेत पर कब्जा कर रखा है। आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि वो एक अपराधी किस्म का व्यक्ति है, पर उसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होने के कारण उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, न ही पीड़ित विकलांग मनोज कुमार को न्याय मिल पा रहा है। पीड़ित मनोज कुमार ने शिकायती पत्र भी गौसगंज चौकी में दिया, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद पीड़ित मनोज कुमार का खेत कब्जा मुक्त नहीं हो रहा, अपराधी जयचंद के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि खबर प्रकाशित होने के बाद पीड़ित को न्याय मिलेगा या नहीं, या फिर ऐसे ही राजनीतिक और पुलिस का संरक्षण अपराधियों को मिलता रहेगा और लोगों के साथ में अन्याय होता रहेगा। सर, हम सफियापुर के निवासी हैं, पोस्ट बेसार ग्राम सफियापुर, और ये हमारा जबरदस्ती जयचंद कब्जा किए हैं और जोत रहे हैं, कह रहे थे तुमको भी मारेंगे, सबको मारेंगे, और 302 का मुलजिम भी है। कब से कब्जा किए हुए हैं? 3 साल से। आपने प्रार्थना पत्र दिया कहीं पे? प्रार्थना पत्र दिया चौकी या थाने में? बुलाया था पर वो लोग पुलिस वाले बात करके पुलिया पे चले गए थे, छुपे थे। अच्छा, मतलब आपकी कोई कार्रवाई नहीं है? आपके नहीं। आपका खेत नहीं उन लोगों ने छोड़ा? खेत नहीं मेरा छोड़ा है, और भी अभी भी जोत रहे हैं और मारने को मेरे को कह रहे हैं, कहते हैं साले सबको मार दूंगा। 302 का केस भी है इसके ऊपर। किसके ऊपर है? जयचंद के ऊपर। ये जयचंद कौन है? हमारा जेठ लगता है, खेत हमारा 3 साल से बोया, वही बोया है जिससे मुकदमा चल रहा है। हाँ हाँ, हमारी भाई बवाई फसल भी काट ली थी। क्या चाहते हो आप? चाहते हैं हमारा खेत हमको वापस दे दें, हम उनका नहीं लेना चाहते हैं, पर हमारा खेत दे दें। हम लोग गरीब आदमी है, भूखे मर रहे हैं, कभी एक दाना भी हमारे घर पे नहीं। हमारे पापा आपा मजूरी उजूरी करके बताओ खिला रहे हैं, विकलांग आदमी सर कैसे क्या होगा। हमारे कैमरामैन साथी थोड़ा इनके पैर पे जूम करेंगे, ये देखिए इनका एक भैया का पैर भी नहीं है, और ये गवाही दे रहा है कि कानूनी व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है क्योंकि इनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। बहुत बहुत
हरदोई इंडियन काउंसिल ऑफ प्रेस के जिला अध्यक्ष कमलेश कुमार की अध्यक्षता में एक ज्ञापन दिया गया। इस अवसर पर हरदोई कमलेश कुमार, रामप्रसाद वर्मा, श्याम राजपूत, उमादेवी व इंडियन काउंसिल ऑफ प्रेस राजन कुशवाहा, बहुत से पत्रकार साथी मौजूद थे। इस दौरान निष्पक्ष चुनाव की मांग की गई, इसके सफल प्रयास भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा किए गए। मीडिया में जरूरी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से निभाने पर तट हुई, लेकिन अवैधानिक बिना सुविधा स्वास्थ्य के राष्ट्रहित में कार्य करने वाले पत्रकार तमाम तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जैसे चुनाव कवरेज के दौरान खानपान, वाहन सुरक्षा के अभाव में तमाम तरह की परिस्थितियों में पत्रकारों को परेशानी होती है। इसलिए पत्रकारों की भावनाओं की कद्र करते हुए विभिन्न मांगों को स्वीकार कर शासन प्रशासन को सहयोग करें और साथ ही साथ चुनाव कवरेज करते समय पत्रकारों को भत्ता, भोजन, वाहन सुरक्षा प्रदान की जाए। पेड न्यूज जांच कमेटी में 10 वर्ष का अनुभव किए पत्रकारों को सम्मानित किया जाए। पत्रकारों को आपातकालीन स्थिति में मदद लेने और गोपनीय सूचना उपलब्ध कराने के लिए वरिष्ठ अफसरों के फोन नंबर दिए जाए। चुनाव कवरेज के दौरान अगर किसी पत्रकार के साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो पत्रकार और उसके परिवार की पारिवारिक स्थिति पर सहायता की जाए। थाना बर्रा के अंतर्गत आने वाले पिपोरी गांव, जहां पर बिठूर विधानसभा के बीजेपी विधायक अभिजीत सिंह सांगा का गांव में घर घर जाकर वोट मांग रहे थे, तभी गांव के किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले लल्लू अपने घर आ रहे थे। आपको बता दें कि भीड़ इतनी ज्यादा थी कि सांगा समर्थकों ने लल्लू की गाड़ी की चाबी निकालकर चाबी ही नहीं ली और बल्कि चाबी लेकर चले गए। किसान लल्लू पर लगातार थप्पड़ दिए। हालांकि लल्लू के द्वारा थप्पड़ के बाद भी बीजेपी नेता की पुष्टि कुलदीप सिंह फौजी बीजेपी नेता के रूप में हुई है। आपको बता दें कि कुलदीप सिंह फौजी बीजेपी का दबंग नेता है और आए दिन सुर्खियों में रहता है, लाठी डंडे गरीबों के ऊपर बरसाए करता है। पूर्व में सपा में रहा, इस दौरान उसने जनता के ऊपर अत्याचार किए। सांगा का बायां हाथ माना जाता है कुलदीप सिंह फौजी। पिपोरी गांव के ग्रामीणों में आक्रोश है। वहीं आपको बता दें कि गांव के लोगों ने बताया कि हम शायद समर्थकों के कारनामों को इलेक्शन कमीशन में लिखित में देंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।